अमित भैया से मेरा क्वेश्चन रहेगा कि ऑफिस बेरर के बारे में तो अंकल बात कर रहे हैं, बट हम जो और दूसरे मेंबर्स हैं, इनकी कोई मौलिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बस ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम भजन में आएं और जब हमें जिस तरह का मौका मिल जाए उस तरह का मौका कर देंगे? उनकी मौलिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ये जो वॉलंटरी वर्ड है जिससे हम हमेशा कभी कभी अपने आप को सेफ गार्ड कर लेते हैं, राइट, कि भैया वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है तो अब हम केवल 23 नवंबर को ही बाबा के बर्थडे पर दिखने वाले हैं, बाकी तो हमें कोई फ़ोन लगा के ये कंपल्शन नहीं दे सकता है, जैसा कंपल्शन हमें ऑफिस में होता है या स्कूल में होता है कॉलेज में होता है, वैसा कंपल्शन यहाँ नहीं हो सकता है। तो जो सबसे पहला सवाल है जो था उसका ये मेरे ख्याल से इट्स क्लियर कि हमारे यहाँ आना वॉलंटियरी है, क्योंकि भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है, आप लोगों को याद होगा, स्वामी ने बोला ऑर्गेनाइजेशन तो छोड़ो, जिस दिन आपके कान में किसी के द्वारा साईं राम नाम चला गया, जब तुमने पहली बार सुना, तो तुम्हारे पास करने को दो ही ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत अच्छी चीज बोलते हैं स्वामी, दो ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। व्हाट इज द फर्स्ट? पहला ऑप्शन है या तो अपने दिल के दरवाजे खोल दो, मैं आऊंगा और उसमें बैठ जाऊंगा, और यदि तुमने दिल के दरवाजे नहीं खोले तो आई विल ब्रेक द डोर एंड सिट इनसाइड। तो मेरे ख्याल से वॉलंटियरी फिर भगवान आपको एक बार इस जगह पे ले आए तो वो तो अंदर आपके बैठेगा ही, और वो जिस दिन बैठ गया उस दिन वो सब करवा लेगा, ही विल, वो पूरा सब करा देगा। लेकिन पदाधिकारियों के लिए यस 100% इट्स नॉट ए वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन। उनको भगवान ने ये जवाबदारी दी है कि आओ इन सब लोगों के साथ मिलकर मेरे इस कार्य को, इस मिशन में करो, और जितना ज़्यादा आदमी आगे बढ़ता है उतना समझिए भगवान उतना ज़्यादा उसके टेस्ट ले रहे हैं, उतना ज़्यादा उसको भगवान उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उतना ज़्यादा भगवान उसको सही कर रहे हैं, उसको करवा रहे हैं। तो ये चीज़ है। सेकंड पॉइंट जो मुझसे कपिल जो बता रहे थे, जो बात थी वो ये है कि मेंबर्स के लिए क्या है, वही सिंपल चीज़, उद्देश्य एक है हम सबका, अपने अंदर निहित देवत्व को पहचानना, अपने उस लव को डेवलप करना, उसको प्यार को करना। सीधी बात है, मैं ये मानता हूं पदाधिकारी के पहले की जो फील्ड है, सिर्फ एक ही बात में मैं खत्म करूंगा, आप समझ जाना उसको, जो लोग अपने आप को डिवोटीज बोलते हैं, दे आर ऑन द पाथ ऑफ माय लाइफ इज माय, लेकिन जिनको भगवान पदाधिकारी बनाते हैं तब आपके साथ एक जिम्मेदारी और जुड़ जाती है, नाउ माई लाइफ इज माई मैसेज की जगह यूर लाइफ इज माई मैसेज। बस अंतर सिर्फ इतना है, उस समय आपको अपने आप को ऐसा बना देना है कि आपको जरूरत ना पड़े यहां स्वामी की ऐसी फोटो लगा के और उसमें से दिखाना और ये सब करना, आदमी ढूंढे कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, और जब वो उसके तह में जाए तो उसको मालूम पड़े अरे इसके पीछे तो भगवान श्री सत्य साईं बाबा हैं जिसके कारण कि ये ऐसा है, मोटिव ये है। भगवान केवल ये चाहता है, वो नहीं चाहता है कि तुम बड़ा भारी तिलक लगा के बड़ी चीजें करके वाइट ड्रेस पहन के और आओ तब तुम लगोगे कि यू आर द, आप वो हो जो सत्य साईं बाबा के हो। भगवान बोलते हैं जब तक तुम प्राइमरी लेवल पे हो यू नीड स्वामी एज ए यूर रिप्रेजेंटेटिव, पर जब तुम अगले लेवल पे जाओगे देन स्वामी नीड यू एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सत्य साईं बाबा। उस समय तुम्हें भगवान का प्रतिनिधि बनना है, तुम्हें यह बन के दिखाना है कि यस जिस फेथ के साथ भगवान ने तुम में इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्ट कर रहा है वो डेफिनेटली, जिस फेथ के साथ भगवान ने तुम में इन्वेस्ट करा है वो चीज वो गलत नहीं है, यस वही है जो हमारे पीछे है। तो पदाधिकारियों के लिए मेरा जो कहना है कि हमारे ऊपर भगवान ने वह जिम्मेदारी दी है, अपने आप को वैसा बनाएं, क्योंकि पदाधिकारी यदि आपको बनाया दैट मीन्स भगवान ने एक लेवल में आपको पास कर दिया।